राजापुर गांव में सूरज नाम का एक आदमी अपनी पत्नी रेखा, बेटी मीना और बेटा मधुर के साथ रहता था, जो बहुत ही गरीब इंसान था। वो मजदूरी किया करता था। अब मीना और सूरज बड़े हो रहे थे, उन्हें किसी चीज की कोई कमी ना हो इसी कारण वो बड़ी मेहनत करता था। एक दिन रेखा अपने पति सूरज से, सुनिए जी, अब मीना और सूरज दोनों बड़े हो रहे हैं, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं भी काम करूं, ताकि हम दोनों मिलकर उन्हें अच्छी लाइफ दे सके। नहीं रेखा, तुम चिंता मत करो, मैं और मेहनत करूंगा। अगर मैं यही पास के घरों में काम करूंगी तो मीना और मधुर की पढ़ाई के खर्चे में थोड़ी मदद हो जाएगी। ठीक है, देखो तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। अब रेखा जहाँ रहती थी वहीं पर पास के लोगों के घरों में काम करने लग जाती है। अब सूरज और रेखा दोनों काम करने लगे थे, मीना और मधुर को अच्छी लाइफ देने का प्रयास कर रहे थे। कई दिन बीत चुके थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब एक दिन रेखा अपने घर के पूरे काम कर मधुर और मीना को स्कूल छोड़ने के लिए चली जाती है और वहीं से दूसरों के घर के काम करने चली जाती है। वो मिसेस रागिनी के यहाँ काम करने जाती है तो वहाँ पर मिसेस शालिनी आई हुई थी, जो कि रागिनी के दोस्त है। वो रेखा को देख रागिनी से, रागिनी ये कौन है और तुम्हारे घर में ये तो बिल्कुल घर के मेंबर जैसे ही काम कर रही है। अरे वो रेखा है, वो यही पास में ही रहती है, घर के सारे काम अच्छे से करती है तो मैंने उसे काम पर ही रख लिया। अरे आजकल तो मेरी तबीयत भी अच्छी नहीं रहती, तुम्हें पता है ना। रागिनी की बात सुनकर शालिनी मन ही मन, ये घर के सारे काम इतना मन लगा कर कर रही है तो क्यों ना मैं इसे अपने स्वेटर बेचने के लिए कहूँ। रेखा के सारे काम पूरे होते ही शालिनी रेखा से, रेखा कितने घरों में काम करती हो? 4 घर है दीदी, आपके घर का भी काम करना हो तो बता देना, दीदी मैं कर लूंगी। रेखा मैं स्वेटर बनाकर बेचती हूँ, अगर तुम चाहो तो मेरे पास के स्वेटर ले जाकर बेच सकती हो। दीदी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आपके पास के स्वेटर खरीद कर बेचूं। अरे नहीं नहीं नहीं, पैसों की बात किसने की है, मैं तो तुम्हें बना कर दूंगी, तुम सिर्फ बेचा करो और पैसे बाद में दे देना। रेखा और शालिनी की बातें सुन रागिनी, रेखा तुम्हारे सारे काम खत्म होने के बाद तुम मीना और मधुर के आने तक कर सकती हो ये काम। शुरुआत में कुछ कम मुनाफा होगा लेकिन धीरे धीरे कर हो जाएगा, और पैसे बाद में दे देना शालिनी को। ठीक है दीदी। अब शालिनी कुछ स्वेटर रेखा के हवाले कर देती है और रेखा भी उन्हें बेचने का काम शुरू कर देती है। वो लोगों के घर के काम के साथ साथ अब स्वेटर भी बेचने लगती है। शालिनी अलग अलग प्रकार के स्वेटर बनाती थी तो लोगों को वो बड़े अच्छे लगते थे। साथ ही अब शालिनी ठंड कम होते होते अलग अलग प्रकार के शो पीसेस भी बनाने लगी थी तो रेखा उन्हें बेचने का काम करने लगी थी। एक दिन रेखा स्वेटर बेचने एक बिल्डिंग में जाती है और वहाँ एक औरत से, दीदी मैं अलग अलग स्वेटर और शो पीसेस बेचती हूँ, देखो ना दीदी, देखने के लिए थोड़े ना पैसे लगते हैं, एक बार देख तो लो। देखो मुझे लेने तो नहीं है लेकिन तुम अब इतनी जिद कर ही रही हो तो ठीक है, देख ही लेती हूँ। अरे ओ मनीषा भाभी, सुरेखा, मीना, जरा यहाँ तो आना, देखो ये औरत स्वेटर लाई है, देख तो लेते हैं। औरत की आवाज लगाते ही बिल्डिंग की कुछ औरतें वहाँ पर इकट्ठा हो जाती है और रेखा अब एक एक कर स्वेटर दिखाने लगती है। उसकी डिजाइन देख वो औरतें बड़ी खुश हो जाती है। उसमें से कुछ स्वेटर वो साइड में रख देती है और रेखा और क्या क्या दिखा रही है ये देखने लगती है। रेखा अब उन्हें शो पीस दिखाने लगती है तो उनमें से हर एक को वो पसंद आते है। वो औरतें रेखा से सारा माल खरीद लेते हैं जिस पर रेखा को बड़ा मुनाफा हुआ था। इस बात से रेखा भी बहुत खुश थी। वो घर जाकर अपने पति से, सुनिए जी, आज मुझे पूरे 1,000 रुपए का मुनाफा हुआ है, आज शालिनी जी से लिए हुए सारे के सारे स्वेटर और शो पीसेस बिक चुका है, मैं आज बहुत खुश हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम तो मुझसे भी ज्यादा पैसे कमाने लग गई हो आजकल, वाह वाह वाह, अच्छी बात है और तरक्की करो। अब रेखा और ज्यादा मेहनत करने लगी, उसे कई अच्छे और बुरे अनुभव आने लगे थे लेकिन साथ ही उसके मन में लालच भी बढ़ने लगा था। अब वो स्वेटर, शो पीसेस सभी के दाम शालिनी के बताए दामों से कई ज्यादा बताने लगी थी ताकि उसे और ज्यादा मुनाफा हो। दिन बीत रहे थे, उसने अब लोगों के घर जाकर काम करना भी बंद कर दिया था। उसने अपने सामान के दाम बढ़ाने के बाद भी
उसके स्वेटर और बाकी का सामान लोग खरीद ही रहे थे, क्योंकि उसके सामान की क्वालिटी और डिजाइन हमेशा ही बढ़िया हुआ करती थी। एक दिन एक औरत रेखा से, रेखा हम तुमसे हमेशा ही माल खरीदते हैं, लेकिन आजकल तुम जरा ज़्यादा ही रेट लगाती हो। अगर ऐसा ही रहा तो तुमसे माल खरीदना ही बंद करना पड़ेगा हमें। औरत की बात सुनकर रेखा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो झट से उस औरत से कह देती है कि देखो दीदी, लेना है तो ले लो, नहीं तो लो मैं चली। मुझे और भी लोगों के घर से बुलवाया है, मुझे वहाँ भी जाना है। अब रेखा दिन ब दिन लोगों से बड़े ही बदतमीजी से बातें करने लगी थी। उसके बर्ताव के कारण लोगों ने उसे घर बुलाना ही बंद कर दिया। अब उसका जो अच्छा चलने वाला धंधा था वो बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। तभी एक दिन सूरज रेखा से, रेखा क्या बात है, आजकल तुम अपने धंधे की कोई बात बताती ही नहीं। तुम्हारे धंधे के कारण और तुम्हारे मेहनत के कारण ही तो हम आज ये घर खरीद पाए है। पता नहीं जी, लेकिन आजकल लोग मुझे बुलाते ही नहीं, और अगर उनके पास सामान लेकर जाती हूँ तो लोग सीधे सीधे ना बोल देते हैं। हाँ, उसका कारण पता है तुम्हें रेखा? नहीं तो। कल मुझे श्याम भाई साहब मिले थे, बता रहे थे कि तुम लोगों से कैसे बात करती हो, जिस कारण अब लोग तुमसे सामान नहीं खरीदते। रेखा, अगर कोई काम करना हो तो हमारी जुबान हमेशा मीठी होनी चाहिए, ना कि कड़वी। रेखा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो हाथ जोड़कर अपने पति से माफी मांगती है, और अब वो अपने पति के कहे अनुसार ही अपनी नई शुरुआत करती है। धीरे धीरे कर वो एक बड़ी सी दुकान शुरू कर देती है। अब उनके दोनों बच्चे भी बड़े मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर कोई भी काम करो तो जुबान पर काबू और दिमाग ठंडा रखना चाहिए। हमें हमेशा एक दायरे में रहना चाहिए ताकि जिंदगी हमें बर्बाद ना करे। जैसे इस कहानी में सूरज ने रेखा को वक्त रहते ही उसका दायरा दिखा दिया। एक बार की बात है, दूर एक गांव में रोहन नाम का एक अनाथ लड़का रहा करता था। रोहन का कोई घर ना होने के कारण वो दिन भर मजदूरी का काम करता और रात के समय पेड़ के नीचे सो जाता था। उसे देखकर गांव के लोग तरह तरह की बातें करते थे। कुछ लोगों को उसकी दया भी आती थी। पता नहीं इस बेचारे का क्या होगा, बेचारा पढ़ा लिखा भी नहीं है, और क्या पता इसकी जिंदगी में कभी शादी होगी भी या नहीं। लोगों के ताने सुन अब रोहन ने ठान लिया था कि वो कुछ ना कुछ अच्छा करके सबकी बोलती बंद कर देगा। अब धीरे धीरे उसने अपने पास कुछ पैसे जमा कर लिए और एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया। अब रोहन वहाँ समोसे बनाकर ट्रेन के यात्रियों को बेचा करता था। एक दिन वो ट्रेन में समोसे बेच रहा था। समोसे ले लो, समोसे, गर्मा गर्म समोसे। रोहन एक यात्री के पास जाकर, सर समोसे ले लो, गर्मा गर्म है सर। तभी वो यात्री रोहन से, बेटे मेरे पास मेरा सैंडविच है। ऐसा कहकर उस आदमी ने टिफिन में से सैंडविच निकाला। उसे देखकर रोहन ने उस आदमी से पूछा, ये क्या है सर? तभी वो यात्री रोहन से, ये सैंडविच है बेटा, क्या तुम खाना चाहोगे? नहीं नहीं सर, ये आपका है। उस आदमी ने रोहन के हाथ में सैंडविच दिया। रोहन ने संकोच के साथ सैंडविच खाया। सैंडविच बहुत ही टेस्टी था। वो सैंडविच की टेस्ट देखकर रोहन उस आदमी से, सर ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है, क्या आप मुझे बता सकते हो ये कैसे बनाते हैं? उस आदमी ने रोहन की रिक्वेस्ट को मानकर उसे 2-3 सैंडविच के प्रकार बताए और उसे कैसे बनाते है उसकी सारी जानकारी भी बताई। वो आदमी रोहन को 1 घंटे तक विविध प्रकार के सैंडविच के नाम बताता रहा। रोहन भी बड़ा मन लगाकर उसकी सारी बातें सुन रहा था। सब समझकर रोहन ने उसका धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया। रोहन अपने गांव में फिर से लौट आया और उसने लोगों से कुछ पैसे उधार में मांगे तो लोगों ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया। फिर रोहन ने अपने पास के कुछ पैसों से बीच बाजार में सैंडविच का एक ठेला लगाया। शुरुआत में गाँव के लोग रोहन से, अरे भाई ये क्या है, हम सब तो ऐसा कुछ नहीं खाते। 2 दिन बाद 2 बच्चे उसके ठेले पर आए और रोहन से, भैया भैया हमें सैंडविच चाहिए। रोहन ने बच्चों को ताजी सब्जियों से अच्छा सैंडविच बना कर दिया और बच्चों ने जब वो सैंडविच खाया तो उन्हें सैंडविच बहुत पसंद आया। तभी बच्चे रोहन से, भैया ये सैंडविच तो बहुत ही अच्छा है। तुम्हें पसंद आया? हाँ भैया हमें सैंडविच बहुत पसंद आया।
बच्चों ने घर जाकर अपने माँ पिताजी को बताया। उस दिन से रोहन के दुकान पर सैंडविच खाने के लिए भीड़ जमा होने लगी। अब रोहन ने अलग अलग प्रकार के सैंडविच बनाना शुरू कर दिया और वो सैंडविच भी लोगों को बहुत पसंद आते थे। लोग बड़े चाव से सैंडविच खाया करते थे। जिन औरतों से सुबह टिफिन नहीं बन पाता था, अब वो बच्चों को टिफिन में सैंडविच खरीद कर देने लगी थी। सैंडविच सब्जियों से बने होने के कारण सेहतमंद थे। बच्चों से लेकर बूढ़े लोगों तक रोहन का सैंडविच सबको बहुत पसंद था। कुछ ही दिनों में रोहन की अच्छी कमाई होने लगी। तभी रोहन ने गांव के जरूरतमंद युवकों को ट्रेनिंग देकर उन्हें सैंडविच बनाना सिखाया और उन्हें तनख्वाह देकर आसपास के गांव में ठेले लगवा दिए। इससे उसका सैंडविच बहुत फेमस हुआ। कुछ ही सालों में रोहन ने अपना अच्छा बड़ा घर बनवाया और शादी भी की। वो अब बहुत ही खुश था। उसे देखकर गांव वाले भी बहुत खुश हुआ करते थे। मगर रोहन को हमेशा एक चीज महसूस हुआ करती थी। एक दिन रोहन खुद से, मुझे जिस व्यक्ति ने रास्ता दिखाया उस व्यक्ति का मुझे नाम तक नहीं पता, मुझे तो वो कहाँ रहते हैं ये भी नहीं पता। ये बात उसे हमेशा मन ही मन खाए जा रही थी। एक दिन रोहन शहर गया हुआ था। घर लौटते समय उसे रास्ते पर कार का एक्सीडेंट हुआ दिखाई दिया। एक आदमी सड़क पर जख्मी अवस्था में पड़ा दिखाई दिया। उसके पास जाकर रोहन, आपको ज्यादा लगा तो नहीं है ना? उस आदमी का चेहरा देख रोहन ने उसे तुरंत ही पहचान लिया। वो वही आदमी था जिसे रोहन ढूंढ रहा था। उसे उठाकर रोहन तुरंत ही अस्पताल में लेकर गया। अस्पताल में जाकर उसका सारा इलाज रोहन ने किया और उसे होश आते ही रोहन उस आदमी से, सर अब आपको कैसा लग रहा है? धन्यवाद बेटे, आज तुमने मेरी जान बचाई। नहीं सर, धन्यवाद तो मुझे आपसे कहना था। आपने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी सर। सर आपका नाम क्या है? बेटे मेरा नाम नरेंद्र है। और मैंने कैसे तुम्हारी जिंदगी बदल दी बेटा? रोहन ने नरेंद्र जी को सारी आपबीती सुनाई। नरेंद्र जी भी रोहन की कामयाबी पर बहुत खुश हुए। रोहन बड़ा खुश था कि उसने नरेंद्र जी की मदद की थी। अब नरेंद्र जी भी कभी कभी अपने पूरे परिवार के साथ रोहन के हाथ का सैंडविच खाने के लिए आ जाया करते थे। रोहन को हमेशा मन में जो कमी लगती थी वो अब पूरी हो गई थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सहायता सिर्फ वस्तु या पैसों से ही नहीं होती। अगर अपना ज्ञान बांटकर किसी की सहायता की तो वो भी बड़े काम आ जाती है। किसी एक गांव में सुधा नाम की महिला रहा करती थी। उसको दो बच्चे थे, सूरज और श्रावणी। एक रोड हादसे में सुधा के पति की मौत हो जाने के कारण पूरे परिवार की जिम्मेदारी सुधा पर आ गई थी। सुधा ज्यादा पढ़ी लिखी ना होने के कारण उसने रोटी बेचने का व्यापार शुरू किया। सुधा ने बनाई हुई रोटियां बहुत ही स्वादिष्ट और मुलायम हुआ करती थी। वो कभी भी लाभ की अपेक्षा ना करते हुए कम दामों में रोटियां बनाकर बेचा करती थी। सूरज और श्रावणी स्कूल में पढ़ाई किया करते थे। अपना होमवर्क पूरा होने के बाद वो अपनी माँ की मदद भी कर दिया करते थे। सूरज और श्रावणी के स्कूल के सामने ही एक नया पिज्जा सेंटर खुला। पिज्जा सेंटर वालों ने अपने खुद के पैम्पलेट भी छापे और गांव भर में बांटे। उससे पिज्जा सेंटर का अच्छा प्रचार होने लगा। गांव में पहला पिज्जा सेंटर होने के कारण लोग वहां पिज्जा खाने के लिए भीड़ कर रहे थे। पिज्जा खाने की चाहत और उसका लुभावना चित्र देखकर लोग आकर्षित होने लगे। लोग लाइन में खड़े रहकर पिज्जा लेने लगे। तभी एक दिन स्कूल में श्रावणी की दोस्त सोना अपने दोस्तों को एक जगह बुलाकर बताती है, तुम्हें पता है कल मेरे पिताजी मुझे नया पिज्जा सेंटर खुला है वहाँ लेकर गए थे। वहाँ इतना स्वादिष्ट और टेस्टी पिज्जा मिलता है और वैरायटी तो इतनी होती है कि हम जल्दी चूज ही नहीं कर पाते। वो पिज्जा सेंटर हमारे गांव में खुला, ये हमारी खुशनसीबी है। हाँ सोना, तुम सही कह रही हो। मैं भी कल मेरे माँ के साथ पिज्जा सेंटर जाऊंगा। एक बार तुम सब भी पिज्जा सेंटर जाकर जरूर आओ। ऐसा कहकर सोना वहाँ से चली जाती है। सोना की बात सुन श्रावणी घर आकर अपनी माँ से, माँ मेरी दोस्त सोना का परिवार उस पिज्जा सेंटर में पिज्जा खाने के लिए गया था। सोना कहती है कि वहाँ का पिज्जा बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आप हमें कहीं नहीं लेकर जाती हो माँ, हमें भी पिज्जा खाना है, प्लीज माँ। और किसी दिन हम जाएंगे बेटी, सुधा ने समझा बुझा कर श्रावणी को शांत किया। श्रावणी ये सारी बातें सुनकर वहाँ से चली जाती है और सुधा सूरज से, देखो सूरज, सोनी छोटी बच्ची है, उसे कुछ समझ में नहीं आता।
उसके दोस्तों की बातें सुनकर पिज्जा खाने की जिद कर रही है। मगर तुम्हें तो हमारे घर के हालात पता है ना? रोटियां बेचने से ही तो हमारा घर चलता है और पिज्जा बहुत महंगा होता है, जो सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तुम श्रावणी को समझाओ बेटा। ठीक है माँ। ऐसा कहकर सूरज वहां से चला जाता है। थोड़े दिनों बाद सूरज का क्लासमेट रोहन का बर्थडे आया तो रोहन स्कूल में सबको पिज्जा पार्टी देने लगा। उस दिन उसने पिज्जा सूरज और श्रावणी को नहीं दिया। सूरज रोहन के पास आकर, रोहन तुम मुझे पिज्जा नहीं दोगे तो भी चलेगा, मगर मेरे बहन को सिर्फ थोड़ा सा दे दो, बेचारे को बहुत दिनों से पिज्जा खाने का मन कर रहा था। सूरज की बातें सुन रोहन, तुम जैसे भिखारियों को देने के लिए क्या तुम्हारे माँ के हाथ की रोटियां समझ रहे हो? ये पिज्जा है पिज्जा, इसे खाने के लिए नसीब होना चाहिए, समझे? चलो निकलो यहाँ से। ऐसा कहकर रोहन वहाँ से चला गया। सूरज और श्रावणी भी घर वापस आ गए। तभी श्रावणी अपनी माँ से, माँ आज हमारे स्कूल में सबने पिज्जा खाया, मगर रोहन ने हम दोनों को ही पिज्जा नहीं दिया। आज अगर आपने मुझे पिज्जा नहीं दिया तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। श्रावणी रोते रोते अंदर कमरे में चली जाती है। तभी सुधा वहाँ खड़े खड़े सोचने लगती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी उसने घर में बनाई हुई रोटी के ऊपर चीज, पनीर और सब्जियां डालकर एक रोटी पिज्जा बनाया, जो कि दुकान के बाहर लगाए हुए चित्र के समान ही था। और श्रावणी को बुलाकर सुधा, श्रावणी बेटी देखो मैंने तुम्हारे लिए पिज्जा बनाया है, जरा खाकर देखो। मुझे ये बकवास रोटी पिज्जा नहीं चाहिए, मुझे पिज्जा सेंटर का पिज्जा ही चाहिए। मैं तुम्हें कल किसी भी हालत में पिज्जा खिलाऊंगी बेटी, आज के लिए तुम इसे ही खा लो, बहुत रात हो चुकी है। मुझे ये नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। ऐसा कहकर श्रावणी वहां से चली गई और श्रावणी भूखे पेट ही सो गई। भूखे पेट सोने के कारण उसे नींद ही नहीं आ रही थी। तभी आधी रात को उठकर श्रावणी रोटी पिज्जा खाने लगी। सुधा यह सब दूर खड़ी रहकर देख रही थी और मन ही मन खुश हो गई। अगले दिन सुधा सूरज को अपने पास बुलाती है और उसे पैसे देकर, ये लो पैसे, स्कूल से घर आते समय इन पैसों से तुम दोनों के लिए पिज्जा खरीद कर लाना। माँ ये पैसे कहाँ से आए? तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे ना? अपनी पड़ोसी मधु आंटी है ना, उनसे उधार लिए थे, थोड़े थोड़े करके चुकता कर दूंगी। श्रावणी पैसे मिलने की वजह से बहुत खुश हो गई। सूरज के साथ श्रावणी स्कूल चली जाती है। स्कूल खत्म हो जाने के बाद सूरज श्रावणी को लेकर पिज्जा सेंटर चला जाता है। वहां जाते ही सिक्योरिटी गार्ड उन्हें रोककर, ए तुम अंदर नहीं जा सकते। हम अंदर क्यों नहीं जा सकते? हमारे पास तो पैसे है ना? हमारे बॉस ने तुम जैसे को अंदर छोड़ने का ऑर्डर नहीं दिया है। ये सुन श्रावणी रोने लगती है। ठीक है अंकल, हम यही खड़े रहते हैं, बस आप अंदर जाकर हमारे लिए इन पैसों से पिज्जा लेकर आइए। सूरज की बात सिक्योरिटी गार्ड को ठीक लगी और उसने सूरज से पैसे लेकर पिज्जा काउंटर से पिज्जा लाकर दिया। दोनों खुशी से घर आए। घर आते ही श्रावणी बड़ी खुशी से, चलो भैया अब हम पिज्जा खाते हैं। ये लो। श्रावणी ने उसमें से एक स्लाइस निकालकर जल्दी से खा लिया और बॉक्स सूरज के सामने रख दिया। सूरज ने भी पिज्जा का एक स्लाइस उठाकर खा लिया। वो चुपचाप एक दूसरे की ओर देख ही रहे थे। तभी सुधा वहां आकर, बच्चों पिज्जा पसंद आया? माँ इस पिज्जा से अच्छा तो तुम्हारा बनाया हुआ रोटी पिज्जा अच्छा है माँ। हाँ माँ ये सूखी हुई रोटी की तरह लग रहा है, कल आपने बनाया हुआ रोटी पिज्जा तो बहुत ही अच्छा था माँ। मगर तुमने तो कल कोई रोटी पिज्जा खाया ही नहीं, तो तुम्हें कैसे पता? हाँ ये सुनकर श्रावणी, वो माँ वो। ऐसा कहते ही सुधा जोर जोर से हंसने लगी। तभी सूरज अपनी माँ से, माँ क्या आप मुझे और मेरे दोस्तों के लिए रोटी पिज्जा बना कर दोगी? मैं कल तुम दोनों को रोटी पिज्जा बना कर दूंगी। अगले दिन सूरज और श्रावणी अपने टिफिन में रोटी पिज्जा लेकर गए। लंच टाइम में अपने दोस्तों को रोटी पिज्जा खिलाया। उतने में रोहन वहाँ आ जाता है। रोहन सूरज से, तुम रोटी बेचने वाले हो, इससे ज्यादा तुम क्या ला सकते हो? ये ऐसा वैसा पिज्जा नहीं है, ये रोटी पिज्जा है, चाहो तो खाकर देख लो, ये तुम्हारे लाए हुए पिज्जा से कई गुना अच्छा है। रोहन एक रोटी पिज्जा का टुकड़ा उठाकर खाता है। तभी उसका स्वाद उसे बहुत पसंद आता है। तभी रोहन सूरज से, अरे हाँ सूरज
ये रोटी पिज्जा तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। मैंने तुम्हारा अपमान किया और तुम्हें बहुत भला बुरा कहा, मुझे माफ कर दो। अरे रोहन, तुम मेरे दोस्त हो, मैंने तुम्हें कब का माफ कर दिया है। ऐसा कहकर सूरज और रोहन दोस्त बन गए। अगले ही दिन से सुधा अपने रेडी पर रोटियों के साथ साथ रोटी पिज्जा भी बनाकर बेचने लगी। सभी लोगों को रोटी पिज्जा बहुत अच्छा लगने लगा। लोग लाइन में खड़े होकर सुधा का बनाया रोटी पिज्जा खाने लगे। बहुत ही जल्दी वो पिज्जा सेंटर बंद हो गया और सुधा का रोटी पिज्जा बहुत फेमस हो गया। ये देख पिज्जा सेंटर का मालिक रविंद्र सुधा के पास आकर उससे एक रोटी पिज्जा खाता है और सुधा से, तुम्हारे इस रोटी पिज्जा से मेरा पिज्जे का दुकान बंद हुआ है। मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर जब मैंने तुम्हारा रोटी पिज्जा खाकर देखा तो मेरा सारा गुस्सा चला गया। सच में ये रोटी पिज्जा बहुत ही स्वादिष्ट है। वैसे मेरा पिज्जा का दुकान तो अब बंद हो गया है, तो तुम एक काम क्यों नहीं करती, मेरे दुकान में ही अपने पिज्जे का दुकान लगा दो और मुझे तुम्हारे व्यापार में से थोड़ा हिस्सा दे देना। बाकी मार्केटिंग का काम मैं देख लूंगा। रविंद्र की बातें सुन सुधा बहुत खुश हो गई और झट से मान गई। ऐसे ही दिन ब दिन सुधा का रोटी पिज्जा बहुत मशहूर हुआ। स्वाद के साथ साथ मार्केटिंग अच्छा रहने के कारण बहुत कम समय में ही उसका पिज्जा का व्यवसाय बहुत बढ़ गया। उन्होंने बहुत पैसे कमाए और वो कुछ ही दिनों में अमीर बन गए। अब सुधा ने झोपड़ी की जगह एक अच्छा घर बनाया और बच्चों के साथ सुधा खुशी खुशी रहने लगी। उसका रोटी पिज्जा लोग बड़े चाव से खाने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में बुरा समय तथा अच्छा समय हर किसी का आता है, लेकिन उससे हमें अपना संयम तथा विवेकशीलता नहीं खोनी चाहिए और अपने मेहनत के दम पर हर नामुमकिन काम मुमकिन करने का प्रयास करना चाहिए।